A2Z अपडेट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। सो मैं आज बात करने वाला हूँ पल्सर की RS125cc के बाइक के बारे में। सो गाइस मैं उसके कुछ रिव्यू स्पेसिफिकेशन अपडेट यानी कि कब तक ये इंडियन मार्केट में आएगी उसके बारे में बताने वाला हूँ। सो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस बजाज की तरफ से बात करें तो हाल ही में बजाज की NS125 इंडियन मार्केट में लॉन्च हुई है, जिसका लुक आपको पता ही है कि वो NS160 और NS200 से कैरी किया है, यानी लुक में बहुत ही अच्छी बाइक है। यानी 125cc में देखें तो ये बजट बाइक जिसमें हमें लुक भी अच्छा मिलेगा और परफॉर्मेंस भी अच्छा देखने को मिलने वाला है। सो वैसे ही बजाज की पल्सर RS125 इंडियन मार्केट में आने वाली है, जिसका लुक हमें RS200 जैसा देखने को मिल सकता है। सो गाइस इसके इंजन के बारे में बात करूँ तो इसमें 124.44cc का इंजन देखने को मिलेगा, जो कि सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन देखने को मिल सकता है। इसके पावर के बारे में बात करूँ तो 12 BHP का पावर देखने को मिलेगा और टॉर्क की बात करूँ तो 11 Nm का टॉर्क देखने को मिल सकता है। यानी 125cc में देखें तो ये पावर और टॉर्क अच्छा है, हो सकता है कि इससे भी थोड़ा बहुत ज़्यादा पावर और टॉर्क देखने को मिल सकता है। और इसी के साथ साथ इसकी गियर बॉक्स के बारे में बात करें तो इसमें 5-speed का गियर बॉक्स देखने को मिलेगा। और इसके सीट हाइट के बारे में बात करूँ तो इसका सीट हाइट 810mm का सीट हाइट देखने को मिल सकता है, यानी कि जो RS200 का सीट हाइट है वैसा ही इसका सीट हाइट हो सकता है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस इसमें देखने को मिल सकता है। इसके फ्यूल टैंक की कैपेसिटी के बारे में बात करूँ तो इसमें 12 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी हमें देखने को मिल सकता है, जो कि 125cc है तो बहुत ही इनफ है। और इसके माइलेज के बारे में बात करूँ तो इसका माइलेज अराउंड 50+ भी इसका माइलेज हमें देखने को मिल सकता है। और इसके ब्रेकिंग के बारे में बात करूँ तो इसमें सिंगल डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा, इसमें हमें फ्रंट में 240mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा और रियर में हमें 130mm का ड्रम ब्रेक देखने को मिल सकता है। और इसमें हो सकता है कि सिंगल चैनल ABS देखने को मिल जाए, लेकिन उसके चांसेस बहुत ही कम है, यानी इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल चैनल डिस्क ही देखने को मिल सकती है। और इसके लुक के बारे में बात करूँ तो इसका लुक पूरी तरह से RS200 जैसा देखने को मिल सकता है। और इसके टायर्स के बारे में बात करूँ तो इसका फ्रंट और रियर टायर दोनों ही पतले लेने यानी कि बहुत ही स्किनी टायर इसके रहने वाला है, जैसे कि NS125 में हमें टायर्स देखने को मिलते हैं वैसे ही टायर्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। ये टायर हमें परफॉर्मेंस तो नहीं लेकिन माइलेज के लिए बहुत ही एडवांटेज है। और गाइस इसके राइवल्स के बारे में बात करें तो इसका राइवल रहेगा RC125, जो कि एक स्पोर्ट बाइक है, वो ये RS125 का राइवल रहने वाला है, क्योंकि RC125 का प्राइस बहुत ही ज़्यादा है और ये हमें बजट में RS125 देखने को मिलने वाली है, जो कि बहुत ही वैल्यू फॉर मनी बाइक रह सकती है। सो गाइस ये RS125 उसके लिए बहुत ही अच्छी है जिसको RS200 लेना हो, लेकिन जिसका बजट उतना नहीं हो तो वो RS125 को परचेस कर सकता है, यानी ये बहुत ही अच्छी बात है। तो गाइस देखते ही ये कब तक इंडियन मार्केट में आती है, लेकिन ये बाइक का लॉन्च अभी नहीं हो सकता, लेकिन 2021 के एंड तक ये बाइक इंडियन मार्केट में आने वाली है। और इसके प्राइस के बारे में बात करूँ तो इसका प्राइस 1,15,000 एक शोरूम तक इसका प्राइस रहने वाला है। सो गाइस आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये बाइक कैसी लगी और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। सो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।